तो एक बड़ी खबर और आपको बता दें कि न्यूज 18 ने ही सबसे पहले यह खबर दिखाई थी। राजस्व विभाग में पोस्टिंग के बाद नेम प्लेट लगाया गया था केके पाठक का और चार दिन में ही केके पाठक के नेम प्लेट को हटा दिया गया। खुद केके पाठक ने फोन करके हटवाया ये नेम प्लेट और आपको बता दें कि ये विभाग जो उनको मिला है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इसमें वो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। केके पाठक से जुड़ी यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले वो शिक्षा विभाग में एसीएस थे और अभी फिलहाल शिक्षा विभाग में एस सिद्धार्थ एसीएस हैं। आपको बता दें कि केके पाठक को नया विभाग दिया गया था, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जिसमें नेम प्लेट भी उनका लगा दिया गया था। ये भी हमने आपको दिखाया था, न्यूज 18 ने सबसे पहले आपको ये खबर भी दिखाई थी और जो नेम प्लेट लगाया गया था राजस्व विभाग में पोस्टिंग के बाद में, वो नेम प्लेट की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर केके पाठक का ये जो नेम प्लेट है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, लेकिन चार दिन के बाद में ही हटा दिया गया है ये नेम प्लेट। और आपको बता दें खबर ये सामने आ रही है कि खुद केके पाठक ने ही फोन करके नेम प्लेट हटवाया है। हालांकि इसके पीछे की क्या कुछ वजह है ये फिलहाल अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि ये विभाग जो उनको नया मिला है राजस्व विभाग, उसमें वो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। तो इसके बाद आखिर क्या होने वाला है, किसमें ज्वाइन करने वाले हैं, ये फिलहाल अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में केके पाठक ज्वाइन नहीं करेंगे।